बाप रे, तो तुमने चुराई है स्कूटी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई फ्रेंड की स्कूटी चुराते हुए? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, पता है ये स्कूटी के चक्कर में मेरी क्या हालत हो गई थी? चल मेरे साथ चल, तुझे पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। देखिए भाई साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आ, नहीं, 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 तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ चोरी करना पता है ना। रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ। अरे ये क्या, जो मेरी फोन से इतना चिढ़ता है आज खुद फोन कर रहा है। हेलो, तुम्हारी गाड़ी मिल गई और चोर भी मिल गया। मेरी गाड़ी इसे कैसे मिल गई? तुम्हें गाड़ी मिल गई क्या? जी हाँ, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? मैं अभी अभी ऑफिस से बाहर निकली हूँ। अच्छा, तो आप साईं बाबा टेंपल के पास आ जाइए। ठीक है आती हूँ। ओके चलो साईं बाबा के पास। चलो आगे आओ। गाड़ी चोरी हुई थी या इन्होंने वहां से गायब की थी ये तो तुम्हें पता नहीं होगा। गाड़ी गायब होने के बाद से तुम मेरे सर पे बैठकर तांडव कर रही हो। गाड़ी चुराने वाली चोर कोई और नहीं, तुम्हारी फ्रेंड ही है। क्यों, शौक लग गया क्या? तुम्हारे फ्रेंड को एंजॉयमेंट करने के लिए पैसे पानी की तरह उड़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तुम्हारी गाड़ी इसलिए चुराई, उस दिन मैंने तुम्हें पार्क में देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। बाप रे, भरी दोपहर में भंगार के दुकान से जैसे भंगार उठाते हैं, तुमने उतनी आसानी से ये गाड़ी चुरा ली? मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा नहीं हो, तो फिर जो गाड़ी मेरे पास थी वो तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे इस फ्रेंड ने मुझे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया है, जानती हो? 100 करके मुझे डरा रही थी। अब बताओ तुम क्या करोगी? तू तो गई काम से, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं फोन करता हूँ 100 पर। अरे रुक जाओ, इसे मेरी स्कूटी चुराने के लिए मैंने ही कहा था। पहले तुम मुझे अपनी गाड़ी देती हो, फिर इसे चोरी करवाती हो और फिर कुत्ते की तरह मुझे अपने पीछे दौड़ाती हो। इसके अलावा मेरे परिवार के सामने मुझे अपना लवर बताती हो, फैमिली मेंबर्स के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ाती हो, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्क में बुलाकर हर बार मेरी बेइज्जती करती रही। तुम्हें लड़की कहते हुए शर्म आ रही है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती की थी मैंने? क्यों खेली मेरी जिंदगी के साथ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए मैंने इसलिए सब ड्रामा किया। तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो, यही मेरा सपना है। जो खुशियाँ मुझसे लुट गई थी उन्हें वापस पाने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल अकेलेपन में गुजारे हैं और अब मैं परिवार के बीच रहना चाहती हूँ। तुम्हारे परिवार के साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मानती हूँ मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन उसके पीछे मकसद सिर्फ तुम्हारा प्यार पाना था। मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी मम्मी पसंद है, तुम्हारे पापा पसंद है, तुम्हारी बहन भैया भाभी और उनके बच्चे भी पसंद है। तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हारी ये खूबी भी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं दुनिया की हर तकलीफ झेलने को तैयार हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। I love you, चाणक्य।